हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जामिनर चैनल में स्वागत है। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस फोर नंबर है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमने क्या किया, इनके वर्गों का योग 365 बोला गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है आपको। तो हमने मान लिया पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1। पहली और ये दूसरी, अब बोला गया जिनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग इनके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 365 के। ये हो गया। अब x का स्क्वायर करेंगे आप, x स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b की आइडेंटिटी लगेगी आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में इसकी आइडेंटिटी होती है, तो आपको इस फॉर्म में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजकल टू 365। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x को पहले 2x प्लस 1 माइनस किस नंबर को इस पर लाएंगे तो 365 माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, उस पर प्लस के फॉर्म में है तो ये माइनस के फॉर्म में लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर ही लिखेंगे, 2x स्क्वायर 2x इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 300 माइनस, बड़ी संख्या माइनस के फॉर्म में तो माइनस के फॉर्म आएगा 364 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, टू नंबर्स सभी में कॉमन दिख रहा है आपको, टू नंबर्स कॉमन लीजिए या फिर टू नंबर्स का डिवाइड करिए बोथ साइड, दोनों साइड में। हम क्या करते हैं, टू नंबर्स कॉमन लेके इक्वल टू कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहां से टू नंबर्स कट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको आप कट करेंगे तो 182 इजकल टू जीरो, 182 इजकल टू जीरो, 3 1 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसका फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि आप वो संख्याएं दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं फाइंड करनी है, तो इसका फैक्टराइज करने के लिए इस नंबर का इसके साथ क्या कराइए आप, इनटू कराएंगे। इनटू जब कराएंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 182x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका इस टाइप से फैक्टराइज करिए कि उसको प्लस करें और या फिर माइनस करें तो प्लस एक्स के फॉर्म में आए। तो क्या करेंगे आप, 14x और 13x इन नंबर का इनटू करेंगे, इस नंबर का इनटू करेंगे 182 आएगा, लेकिन एक्स का इनटू करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस नंबर को आप प्लस और माइनस के फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स की जगह पे 14x और 13x नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू जीरो। ये हुआ। फिर डबल नंबर्स को वन ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या करेंगे आप, डबल नंबर्स को वन ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x वन बॉक्स माइनस, ये माइनस, फिर अंदर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, माइनस के फॉर्म में रहती है, 13x प्लस 182 इजकल टू जीरो। ये हुआ। अब क्या करेंगे आप, इन नंबर्स में से कॉमन निकालेंगे, इन नंबर्स में से आपको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया गया, तो x प्लस 14 माइनस, इस नंबर्स में से 13 कॉमन है आपको, क्योंकि 13 के आप 14 में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 182, इसलिए यहाँ से 13 कॉमन है, तो x प्लस 14 इजकल टू जीरो। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई, ये सेकंड टर्म की वैल्यू हो गई, इन दोनों टर्म में से x प्लस 14 कॉमन है आपको, x प्लस 14 और बचे नंबर्स क्या है, x माइनस 13 इजकल टू जीरो।
ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई या सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई, तो इसका आप इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू जीरो और सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू जीरो फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकेंड टर्म आप इसके पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू ये नंबर उस पर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, तो एक्स इक्वल टू माइनस 14 आ गया। अब सेकेंड टर्म क्या होगा आपके पास, एक्स माइनस थर्टीन इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस उस फर जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा प्लस के फॉर्म में। अब आपसे पूछा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस वाले नंबर्स को आप यूज कर लीजिए और माइनस वाले नंबर्स को क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, तो प्लस वाले नंबर्स क्या है 13, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 आएगी और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या करेंगे आप, 13 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी आ जाएगी 13 प्लस 1 इजकल टू 14, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या 14। इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।